सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं हार्दिक पटेल और आज तक टीम के बारे में एक गलतियाँ। जो गुजरात की हाईवे सड़क पे बगैर हेलमेट के बाइक पे दोनों सवारी करते हुए, जो कानून का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए, ऐसे तो छोटी छोटी बात पे मीडिया इस गलती को पकड़ लेती है, पर जब खुद मीडिया ही ऐसा करने लगे तो क्या होगा। अब देखिए, हार्दिक पटेल तो इसमें गुनहगार है ही, साथ में आज तक का टीम भी है इसके साथ गुनहगार। तो आप बताइए दोस्तों, आखिर ऐसे क्या कहा जाए। आखिर गुजरात चुनाव में लोग हर मुद्दा पे हर बहस हर बात कर रही है, लेकिन गुजरात चुनाव में इस बाइक पे सवार होके हार्दिक पटेल बगैर हेलमेट के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। आखिर गुजरात चुनाव में इतनी गाड़ी आसपास, पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी, आगे बॉडीगार्ड की गाड़ी चल रही है, फिर भी माना सुर्खियों में आने के लिए, अपने गुजरात चुनाव में किसी न किसी तरह चर्चा में आने के लिए हार्दिक पटेल ने ये हरकत किया, बिना हेलमेट के बाइक पे बैठ के इंटरव्यू देना। अरे तो काम गाड़ी में भी हो सकता है, जो दो गाड़ी पीछे चल रही है, दो गाड़ी आगे चल रही है, और भी गाड़ियाँ होगी जो आगे पीछे चल रही है। हर गाड़ी पे आप देखिए बॉडीगार्ड, यहाँ है हर गाड़ी पे बॉडीगार्ड है, यहाँ तक कि बगल में भी एक बाइक चल रही है, इसकी वीडियो भी है। तो फिलहाल वीडियो तो आज तक के चैनल पे है, तो इसलिए हम नहीं उसका चलाया है वीडियो, लेकिन यहाँ का ये मेन कारण है। तो आखिर आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि कितना सही कितना गलत है बगैर हेलमेट के। धन्यवाद दोस्तों।